अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके जो पहले 3 लेक्चर्स हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन MTH 301 के। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड ऑक्टेंट। सो दोस्तों, सबसे पहले डिफरेंस में आपको डिफरेंस तो तभी बताएंगे ना जब आपको कोऑर्डिनेट और ऑक्टेंट के बारे में पता होगा। तो आइए आज मैं ज़रा डिटेल से और टोटल कंसेप्ट के साथ बताता हूँ कि ये है क्या असल में। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट और ऑक्टेंट बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो ये एक जगह है हमारे पास जिसमें हम नंबरों को बताते हैं, पोजिशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि अगर मैं नंबरों का हिंट दूँ तो मुझे पता चल जाए कि मैं किसी मकाम पे कहाँ पे हूँ। ठीक है, सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊँ आपको, ये जो आपको जितने नीचे नंबर आ रहे हैं ना, इनको भी हम अभी बताएंगे कि हम किस तरह से पहचान में लेके आते हैं कि ये नंबर हमें किस तरह से पोजीशन बता रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास, मैं आपको सर्कल से बताता हूँ जी। हमारे पास मान लीजिएगा, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसके अंदर ये मैंने 2 लाइन्स ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन को हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, इस लाइन को हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक है, असल में ये जो मैंने 2 लाइन ड्रा की है ना स्टूडेंट्स, बेसिकली ये किसी चीज़ के 4 पार्ट बना देते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 4 पार्ट। अब अगर हम इन 4 पार्ट की बात करें तो इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव के भी लाई कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? देखिए जी, मैंने कहा था कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक्स एक्सिस की ये वाली साइड पॉजिटिव की होती है, ये वाली साइड एक्स एक्सिस की नेगेटिव की होती है। इसी तरह से ऊपर जो वाई एक्सिस है उसकी साइड ऊपर वाली पॉजिटिव की होती है, और जो नीचे वाली वाई एक्सिस की साइड है वो नेगेटिव की होती है। इसमें भी वही है हमारे पास, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड है, और ये मेरे पास क्या है, 4 है। अब इसमें एक्स वाई का क्या चक्कर है? बेसिकली असल में ऐसा होता है कि ये जो हम लिखते होते हैं ना पेयर एक्स वाओ वाई, ये जितने भी नंबर लिखे हैं इसमें पहला नंबर जो होता है वो एक्स होता है, जो दूसरा नंबर होता है वो वाई होता है। अब एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हम इसमें कैसे देखेंगे? तो मैं आपको इसे साथ ही बताता जाता हूँ। ये देखिए, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसमें एक्स वाला पोर्शन भी पॉजिटिव का है, वाई वाला भी पोर्शन पॉजिटिव का है। तो स्टूडेंट, ये हमें पता है कि उसके लिए जिसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो उसके लिए हमें पहला रीजन मिलता है। आप देख सकते हैं इधर से एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो जब दोनों ही पॉजिटिव हों तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें अगर देखूं तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये हमें बता रहा है कि मैं सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करूँगा। ठीक है, अब ये लाई कहाँ पर करना है ये अलग बात है, बस आप जस्ट ये देखें कि हम किस तरह से पॉइंट को देख के बता सकते हैं कि ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करेगा। सी वाले पोर्शन की बात करूं तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव अगर मैं गौर से देखूं तो एक्स पॉजिटिव तो ये होता है, वाई नेगेटिव ये होता है। इसका मतलब हुआ कि वो ये वाले पोर्शन में है जिसे हमने 4 कोऑर्डिनेट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी चीज़ को आसानी से बता सकते हैं। अब अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, उसका मतलब होगा कि जिसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, वो हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को डिटेल से बता चुके हैं कि कोऑर्डिनेट में बेसिकली किसी चीज़ के पेयर की पोजीशन बताई जाती है। अभी मैंने ऑक्टेंट के बारे में बात नहीं की। ठीक है, तो आइए मैं ऑक्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्टेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए मैं चाहता हूँ आपको डायग्राम पर ले चलें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट की फॉर्म है जैसे आप अभी डिस्कस करके बैठे हैं। ठीक है, ज़रा सारा क्लियर कर दूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है,
ठीक है, इधर पॉजिटिव का है और इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव का है। इसी तरह से अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो ये वाई एक्सिस की लाइन है टोटल, और ये मेरे पास पॉजिटिव का है ऊपर, नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव का होता है। अब मान लीजिएगा इसको बताने के लिए पोजीशन कहाँ पे होती है, मैं लिख लेता हूँ जी कि 2y-3। अब मैंने देखना है सबसे पहले एक्स पॉजिटिव किस में होता है, एक्स पॉजिटिव तो यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो एक्स पॉजिटिव अगर यहाँ पे होता है तो एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है जी 2, मैंने इधर से 2 को हाईलाइट कर दिया। फिर मैं चला जाऊँगा वाई वाले पोर्शन पर, वाई कितना है -3, और मुझे पता है नेगेटिव वाई नीचे को आता है तो 1, 2, 3 वो यहाँ पे है। तो मैंने इधर से इसको लेते आना है, इधर से इसको लेते आना है, जिस पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वो पॉइंट मेरे पास 2y-3 का होगा। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं, पोजीशन भी बता सकते हैं उन्हीं पेयर की मदद से। अब ऑक्टेंट क्या होता है, ऑक्टेंट में हमारे पास देखिए ना, आपके पास ये डायग्राम बिल्कुल सामने है कि इसमें ये देखें, अगर हम 3 पीसेस ले लें किसी भी कार के और उनको आपस में इस तरह से मीट करवाएं आपस में कि एक तय, या देखें आप गौर से अगर देखें तो एक आपको ये वाली साइड मिल रही है, एक आपको ऐसे मिल रहा है और एक आपको ऐसे मिल रहा है। तो अगर हम बेसिकली गौर से देखें तो ये वाला पोर्शन एक अबाव का होगा और इसी से नीचे एक पोर्शन जो होगा इसमें भी 4 होंगे, नीचे वाले में भी 4 होंगे, ठीक है। तो इसके मतलब इसमें टोटल 8 बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट में 4 बने थे, इसमें क्या बन जाएंगे 8 बन जाएंगे। बाकी बताने का पोर्शन बिल्कुल सेम होगा, इसका फर्स्ट होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑक्टेंट क्या होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें वैल्यूज़ कैसे दर्ज होंगी, ठीक है, वैल्यूज़ कैसे बताई जाएंगी, तो उसका भी कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। देखें, जब आपने कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को याद कर लेना है ना, ये वाली वैल्यूज़ को, मैं आपको ये भी बताता जाऊँ फिर ही हम जाएंगे ताकि ये कसर भी साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताता जाता हूँ जी कि कौन सा किस रुपये में होगा, अभी हम देख लेते हैं। अगर तो जब भी हमने ऑक्टेंट वाले को देखना है ना, तो आपने पहले सबसे कोऑर्डिनेट को ही फॉलो करना है, पहले दोनों ही पॉजिटिव के हैं मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अगर ये भी पॉजिटिव का है तो इसका मतलब ये अपर में ही है और ये फर्स्ट ऑक्टेंट ही होगा, यानी आपने सबसे पहले पहले दोनों पेयर से एडजस्टमेंट कर लेनी है। अगर तो उसके साथ तीसरा नंबर पे जो आ रहा है ना वो पॉजिटिव का है तो वो पहले 4 में से लाई करेगा, अगर वो नेगेटिव का है तो वो नीचे वाले 4 से लाई करेगा, ठीक है। वो कौन सा नीचे वाले 4 में से होगा वो डिसाइड कराएंगे आगे वाले 2। अब किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, चले मैं आपको बताता हूँ इस वाले से बी वाले के पोर्शन से। इसका थर्ड पोर्शन पॉजिटिव का है, इसका मतलब है कि मैं पहले ऊपर वाले 4 में से ही रहूँगा और उसमें भी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। अब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, अगर आपको याद हो एक्स नेगेटिव यहाँ पे होता है और वाई पॉजिटिव यहाँ पे होता है, और वो इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली मेरे पास दूसरा होता है ऐसे ना। अब ये तो तीसरा ऑलरेडी पॉजिटिव का है, जब तीसरा पॉजिटिव का है तो हम ऑक्टेंट को भूल जाएं, कोऑर्डिनेट का ही कंसेप्ट जहन में रखेंगे। इसका मतलब होगा कि ये सेकंड ऑक्टेंट होगा, सेकंड ऑक्टेंट होगा। अगर ये नेगेटिव का होता तीसरा पोर्शन, तो मैंने कहना था 4 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 4 के बाद 2 हैं, तो यानी कि ये 6 ऑक्टेंट होगा। आ रही ना बात समझ में, किस तरह से मैं कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। इस तरह से मैं चलो फर्दर एक और उठा लेता हूँ जिसमें सारे ही नेगेटिव आ रहे हैं। ये वाला नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ है कि 4 से आगे ही है, ऑक्टेंट जो है वो 4 से आगे है। दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये तीसरा होता है। अब 4 से 3 आगे जाऊंगा तो 7, मतलब कि 7 ऑक्टेंट में क्या होता है, तीनों ही नेगेटिव के होते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए मैं लास्ट वाला भी बता देता हूँ। पहले 2 पॉजिटिव और आखिरी वाला नेगेटिव है। आखिरी नेगेटिव का मतलब है कि ये 4 से आगे जा चुका है। कितना आगे गया है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो पहला होता है, तो मतलब कि ये 5वां है। आ रही बात समझ में, तो इस तरह से हम ऑक्टेंट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले देख लें कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ। तो ऑक्टेंट का रूल भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या फ़र्क होता है, उसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, उसमें 8 होते हैं, ठीक है, उसमें 2 एक्सेस होते हैं, इसमें 3 एक्सेस होते हैं, अगर हम सिर्फ डिफरेंस की बात करें शॉर्ट वे में। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड टू एप्लीकेशन ऑफ द
इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी आपके हार्ड आउट के जो है वो पहले में भी मौजूद है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, ये हैंड आउट का पहला ही आपका जो है वो लेक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, या सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ना, वो हमें किसी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देती है ना, वो देती है जी कि किसी चीज़ का रेट ऑफ चेंज निकालना हो, स्लोप निकालना हो। जबकि आपके पास जो इंटीग्रल है, जैसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, वो चीज़ों का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है, प्लेन का एरिया फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम मालूम करने के लिए किसी चीज़ का। तो ये डिफरेंट पर्पज़ हैं इंटीग्रल के और आपके पास जो है डिफरेंशियल कैलकुलस के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता चुका हूँ इनके कि आपने कोऑर्डिनेट कैसे बताने हैं। 4 के भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कोऑर्डिनेट किस तरह से बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कहा था कि एक्स एक्सिस, हम वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इनकी इक्वेशन बनानी है। अब इनकी इक्वेशन कैसे बनानी है स्टूडेंट, देखें हमारे पास टोटल 3 चीज़ें होती हैं, एक्स वाई और जी। अगर एक्स एक्सिस पे बात करूंगा ना, मैं किसी चीज़ को एक्स एक्सिस पे लेके जा रहा हूँ, तो उसमें वाई भी मेरे पास 0 होगा और जेड भी मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे रहना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे पास एक्स भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जेड 0 होगा। अगर वाई जी प्लेन पे हूँ, तो इसमें जस्ट वाई 0 होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, आपके हैंड आउट में भी होंगी, ठीक है। आपके हैंड आउट में ऑलमोस्ट जो है वो मैं देख लेता हूँ जी, कौन सा बनता है पेज आपके हैंड आउट का जी, आपके हैंड आउट का बनता है जी पेज नंबर 14, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई में सिर्फ जी 0 है, वाई जी में वाई 0 है, तो एक्स जी में सॉरी वाई जी में एक्स 0 है, एक्स एक्सिस में वाई भी 0, जी भी 0। तो ये मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि इनकी क्वेश्चन ऐसे बनती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द सिंगल वेरिएबल 2 एंड 3 वेरिएबल को। तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ है जी, जिसमें सिर्फ एक एक्स आएगा वो सिंगल वेरिएबल लाई करेगा। इसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं तो 2 वेरिएबल है, इसमें एक्स और वाई जी तीनों आ रहे हैं जी तो ये 3 वेरिएबल होंगे। इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है, इसमें भी आर एक ही वेरिएबल है, पाई तो कांस्टेंट है, पर इसमें 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आंसर्स भी उसने दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपने फर्स्ट ऑक्टेंट है, सेकंड ऑक्टेंट है, ये मैं आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ, आपने अच्छे से सुनना है, समझना है, फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझसे फर्दर पूछ लेना है, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमने फंक्शन के बारे में सिर्फ ये डिस्कस करना है कि फंक्शन इस पर डिफाइन है या नहीं है, कैसे पता चलता है, चेक कैसे करते हैं, मेथड क्या है, आइए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन होता है उसके अंदर उसने कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि ये फंक्शन है और इस पॉइंट पे आपने चेक करना है कि ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। आपने इन पॉइंट को फंक्शन में पुट करना है। एक्स की जगह पे आपको बताया था मैंने अभी कि पहला आंसर एक्स का होता है, दूसरा आंसर वाई का होता है। एक्स की जगह पे 4 पुट करना है, वाई की जगह पे 2 पुट करना है। पुट करने के बाद अगर तो कोई भी आंसर आ जाए, इसका कोई नहीं है, कुछ भी आंसर आ जाए, आंसर आए वो अनफिनिटी ना बन जाए, ठीक है, अनडिफाइन ना हो जाए, अगर कोई आंसर आ जाए, जिस तरह से कुछ भी पुट किया आंसर बना जाए, तो भाई ये कुछ भी आंसर है तो आंसर तो है ना, तो ये डिफाइन है, कुछ भी आंसर आ जाए तो वो डिफाइन है। मैं अनडिफाइन की बात करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही था, एक्स वाई जी, उसमें पॉइंट 3 थे, एक्स की जगह पे 3 1, वाई की जगह पे 3 2, जेड की जगह पे 6। आप जब पुट करेंगे कैलकुलेटर से ई की पावर में ये सारा कुछ लिखेंगे ना 18, और फिर 3 से मल्टीपल करेंगे, आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, ये एक आंसर है, ये डिफाइन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ना थर्ड क्वेश्चन पे, तो लॉग इनटू समथिंग दिया हुआ है, एक्स वाई जी, और कहा है कि आपने बताएं कि इसको कि क्या ये फंक्शन ओरिजिन पे डिफाइन है या नहीं है। तो स्टूडेंट देखें, ओरिजिन में सारे के सारे पोर्शन 0 होते हैं, एक्स भी 0, वाई भी 0, जी भी 0। जब सारे में 0 पुट करूँगा तो लॉग ऑफ 0 बन जाएगा, और लॉग ऑफ 0 का आंसर तो अनडिफाइन होता है, अनफिनिटी होता है, ठीक है ना।
सो लिहाजा हमारे पास ये एक ऐसा फंक्शन है कि जो ओरिजिन पे अनडिफाइन है। ओरिजिन पे क्या होगा? अनडिफाइन है। रीज़न क्या है हमारे पास कि वहाँ पर किसी किस्म का कुछ भी इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास है अनडिफाइन होगा ओरिजिन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कहता है फाइंड द पॉइंट वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंट द बाय द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स मीट ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ पे उसने कहा जी कि सी द सॉल्यूशन ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो स्टूडेंट असल में ऐसा है कि आपने यहाँ पे ना आपसे दो तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा पहले कंसेप्ट देना चाहता हूँ पैराबोला के रिलेटेड। एक चीज़ पूछ रहा है जी यहाँ के कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द पैराबोला, ठीक है ना, जहाँ वो एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहे हैं। अब पैराबोला किस तरह से होता है? पैराबोला या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब ये ऊपर को ऐसे बनना है या ऐसे बनना है, ये कैसे पता चलता है? इसका भी एक फार्मूला है, ठीक है। इसमें एक्स का स्केयर है ना, जो एक्स का स्केयर अगर तो वो पॉजिटिव का हो, ठीक है, जिस तरह की ये एक पॉजिटिव का है हमारे पास, तो इसको ही देखना होता है आपने, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है? ए है। तो ये अगर ग्रेटर देन हो 1 से, यानी कि ये अगर नेगेटिव ना हो यानी कि पॉजिटिव हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास किस तरह से ग्राफ बनता है? तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। अब हम अपने मेन काम पे आते हैं कि हमने पॉइंट कैसे बताना होता है। तो पॉइंट हम इस तरह से बताते हैं जी कि हमारे पास जब पॉइंट की बात होगी तो हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। 0 रखते हुए हम यहाँ से एक्स का कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 4, ठीक है ना, और फिर यहाँ से एक्स का आंसर 1 0 आ जाएगा। दूसरा एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 होने से एक्स इज इक्वल टू 4, यानी 0 व 4 का वो पॉइंट होगा जहाँ पे वो जाके दोबारा से मिल जाएंगे, या वो पैराबोला पे क्या कर रहे होंगे, उसका पैराबोला वहाँ पे एक्स एक्सिस पे जाके मिल जाएगा। बात आ रही समझ में आपको? एक तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि एक चीज़ यह, दूसरी चीज़ आखिर फिर क्या थी इसमें? देखें, एक होता है वर्टेक्स, जैसा कि मैं आपको ये मैं ग्राफ बताऊँ अगर यहाँ पे, कि एक ऐसी चीज़ है इसके अगर जो टॉप की बात होती है ना टॉप, तो इसे बोलते हैं वर्टेक्स का पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे वाला, जहाँ पे ऐसे हो क्या चीज़ आती है ना, तो वो उसका वर्टेक्स होता है। उसको जब आप अपने फाइंड आउट करना होता है ना, तो उसका पॉइंट और होता है। जब आपने जस्ट मीट द एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है, तो आपने इसे इक्वल टू 0 रखना है और वहाँ से आंसर निकाल लेने, ठीक है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही था कि फाइंड द एटलीस्ट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट बता दीजिएगा जी जहाँ पे वो मीट करते हैं। जब वो मीट करते हैं वो पॉइंट ढूंढने हैं, वर्टेक्स नहीं बताना, तो फिर आपने सिंपल इसको इक्वल टू 0 रखना है। देखिए 0 रखा हुआ है, आगे फैक्टराइजेशन किया ना इसकी, -4x + 2x इसके जोड़े बनेंगे, फिर वहाँ से एक्स के 2 आंसर आ जाएंगे और वही हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब ये आपको मैं बता चुका हूँ कि ये इसके आंसर है, ठीक है। वो वर्टेक्स का भी शायद नीचे क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको बता दूंगा, तो देख लेते हैं जी आता है नीचे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है जी, कि फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है स्टूडेंट। कैसे मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है जी? कि आपके पास ये भी 3 पॉइंट हैं, ये भी 3 पॉइंट हैं, आपने इस वाले फर्स्ट पॉइंट को इस वाले फर्स्ट पॉइंट में ऐड करके 2 पे डिवाइड, इस वाले सेकंड पॉइंट को इस वाले सेकंड पॉइंट में ऐड करना है 2 पे डिवाइड, और इस वाले को इस वाले से ऐड करना है 2 पे डिवाइड, आंसर निकाल देना, वही उनका मिड पॉइंट होगा। और इस तरह से अगर आपने इन जो थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट वाले हैं उनका अगर आपने डिस्टेंस निकालना है, तो देन भी आपका वही काम होता है कि आपने इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। जैसा कि 4 - 1 लिखना है, फिर उसका होल स्क्वायर कर देना है, 5 - 3 लिखना है, फिर उसका होल स्क्वायर कर देना है, 9 - 7 लिखना है, फिर उसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला है, वो मिड पॉइंट का फार्मूला है, ये उनके दरम्यान डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला है क्या जी? कि x1 - x2 होल का स्केयर प्लस इसी तरह से y2 - y1 होल स्केयर, इस तरह से z, और ऊपर क्या जाता है? स्केयर रूट। इसे हम डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है जी हमारे पास कि फाइंड द लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट, ठीक है। और आपने हमारे पास जो पॉइंट दिए गए हैं, आपने पूछा क्या है जी, डायरेक्शन रेशियो पूछी है आपने। तो डायरेक्शन रेशियो में सबसे पहले आपने इनका डिफरेंस निकाल लेना है, जिस तरह से अभी मैंने डिस्टेंस में निकाला था ना, वो तो हम स्क्वायर भी लेते हैं, इसमें स्क्वायर नहीं लेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसका डिफरेंस कर लेंगे। थ्री में से ज़ीरो निकाल, ज़ीरो माइनस थ्री कर लें या थ्री माइनस ज़ीरो कर लें, एक ही बात है। लेकिन चूंकि उसने ए टू बी कहा है, तो ए टू बी कहा है ना जब, तो हमने बी वाले को प्रेफर करना है, उसकी वैल्यू को पहले लिखना है। तो ज़ीरो माइनस थ्री, थ्री माइनस टू, फोर माइनस सिक्स, इनके आंसर आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। तो आंसर लिखने के बाद ज़ीरो माइनस थ्री क्या आ रहा है हमारे पास, तो वो आ रहा है हमारे पास माइनस का थ्री, फिर थ्री माइनस टू का आंसर आ रहा है वन, फिर फोर माइनस सिक्स का आंसर आ रहा है माइनस का टू। ये वो पॉइंट बन गए। अब आपने इनका लेना है मॉडुलो, जिसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, किसका लेना है, इसी नंबर का लेना है। इसमें कैसे लेना है, इस वाले पोर्शन का अलग से स्क्वायर लेना है, आगे वाले का अलग से स्क्वायर लेना है, आगे वाले का अलग से स्क्वायर लेना है, फिर इनका जजर ले लेना है, वो उनका मॉडुलो होता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे नाइन वन फोर, तो फोर्टीन बन जाएगा स्क्वायर रूट में, वो हमने हर एक के बटे में लिख देना है, उसे बोलते हैं डायरेक्शन को साइन। ये देखिए उसने नीचे लिखा हुआ भी है, फोर्टीन कैसे आया ये मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, कि हमने उनका मैग्नीट्यूड लेना है, मोड लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट वही आ गया वर्टेक्स का, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वर्टेक्स और चीज़ है, पैराबोला का फाइंड करने वाला काम, और एक्सेक्स में मीट करना और चीज़ है। तो इसका भी डिफरेंट मेथड है कि आप सिंपली भी फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास ये वर्टेक्स को फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास, माइनस बी ओवर टू ए, इसमें एक्स का स्केयर वाला पोर्शन आपके पास ए होता है, जिसके साथ एक्स हो वो आपका बी होता है, और सी आपका यहाँ पे थ्री है। तो इसमें बी हमारे पास माइनस का सिक्स, फार्मूले का माइनस वो सिक्स, और टू फार्मूले का ए में आंसर आ रहा है टू। तो यहाँ पे देखें तो चार बटा छः हल करके आंसर ये आ गया, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि जो एक्स का आंसर आया है वो आप यहाँ पे पुट करें और वाई का आंसर निकाल लें, या फिर इस पैटर्न को फॉलो करके आप वाई का आंसर भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें एक्स की जगह पे पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं वाई का, ठीक है। तो अब आपके पास जो दो पॉइंट होंगे वो उनका वर्टेक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने फिर मीट द एक्स एक्सिस पे कहा है, तो इसमें फार्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि इसे इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, वहाँ से एक्स के दो आंसर आएंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फाइंड द एटलीस्ट टू पॉइंट ऑफ द पैराबोला लाए, तो इसमें भी सिर्फ टू पॉइंट की बात कर रहा है, तो इसको भी हमने इक्वल टू ज़ीरो रखना है, और फैक्टराइजेशन से इसके दो आंसर निकालने हैं, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ हद तक आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपने लाजमी मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।